इसराइल ने शनिवार को ईरान पर हमला कर मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की आशंका को फिर हवा दे दी है। ईरान, लेबनान, सीरिया और इराक में अपने हमलों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ इसराइल गाजा में भी अपने हमले जारी रखे हुए हैं। अल जजीरा की खबर के मुताबिक उत्तर गाजा में इसराइली की ओर से 6 इमारतों पर किए गए हमले में 45 लोगों की जान चली गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवा ने बताया कि उत्तरी शहर बेत लाहिया में इसराइली सेना ने यह हमला शनिवार देर रात किया। इस हमले में महिलाओं समेत कई बच्चे भी मारे गए हैं। बता दें कि इसराइल गाजा और लेबनान पर लगातार मिसाइल और जमीनी हमले कर रहा है। इस बीच ईरान ने गाजा और लेबनान में संघर्ष विराम की मांग उठाई है। ईरान की सेना ने शनिवार रात एक बयान जारी किया जिसमें गाजा पट्टी और लेबनान में संघर्ष विराम का सुझाव दिया गया। इस संबंध में ईरानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसे इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन बयान से ऐसे संकेत मिलते हैं कि तेहरान शनिवार तड़के हुए इसराइल के हमले के बाद तनाव को और बढ़ने से रोकने का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सेना ने कहा कि इसराइल ने हमलों में इराकी हवाई क्षेत्र तथा कथित स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया और ईरान के 3 प्रांतों में लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए ये हथियार बहुत हल्के थे। दावा है कि इसराइल का हालिया हमला गाजा में नागरिक इमारतों को निशाना बनाते हुए किया गया जिसमें कई नागरिकों की जान चली गई और कई को मलबे के नीचे से निकाला गया है। पिछले एक साल से जारी जंग में गाजा का मानवीय संकट अपने चरम पर है और इसराइल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही आंकड़ों की बात करें तो एक साल से जारी जंग में गाजा में कम से कम 42,000 लोगों की जान चली गई है और 1,00,000 से ऊपर लोग घायल हैं। इसराइल सेना के हवाई हमलों से गाजा का करीब 75% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और मानवीय मदद पर लगाए गए प्रतिबंध की वजह से गाजा के लाखों लोग भुखमरी की मार झेल रहे हैं। हालांकि इसराइली सेना ने इन हमलों को लेकर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। इसराइल पिछले 3 सप्ताह से उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमला कर रहा है। उसका कहना है कि हमास के चरमपंथी वहां फिर से संगठित हो गए हैं। इसराइल के हमले में मारे गए 4 सैनिकों की मौत पर ईरान के राष्ट्रपति सूज पेजेश्कियान ने दुख जताया है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने शनिवार सुबह हमले में मारे गए सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। इसराइल ने शनिवार सुबह ईरान पर हवाई हमले किए और कहा कि उसने ईरान की ओर से इस महीने की शुरुआत में इसराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में उसके सैन्य स्थलों को निशाना बनाया। ईरान हमास और हिजबुल्ला का समर्थन करता है। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला पहले से ही इसराइल के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। इसराइल का कहना है कि उसने गाजा में केवल चरमपंथियों को निशाना बनाकर हमले किए हैं और वह हमलों में आम नागरिकों की मौत होने के लिए हमास को दोषी ठहराता रहा है क्योंकि ये चरमपंथी घनी आबादी वाले इलाकों में लड़ते हैं।